नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद हैप्पीनेस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो लोअर पीसीएस की परीक्षा की डेटें दोस्तों निर्धारित कर दी गई हैं और अभी तक इसका सिलेबस नहीं आया है। जो अभी डेट हैं दोस्तों वो हैं आपकी 14 सितंबर और 15 सितंबर। अब मेरे पास एक क्वेश्चन कई बार आ रहा था, मेल्स के माध्यम से पूछा जा रहा था, तो मैंने सोचा एक पूरा वीडियो बनाकर आप लोगों को स्पष्ट कर देता हूँ जितनी मेरी समझ है। दोस्तों, अभी आप देखेंगे कि इसमें जो परीक्षा होने वाली है या ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी। दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ जरूर था हमारे नोटिफिकेशन में कि जो भी ये परीक्षाएं हैं इसे ऑनलाइन कराई जा सकती हैं, मगर अगर आप डेट देखेंगे दोस्तों, दो डेट के अंदर इस एग्ज़ाम को ऑनलाइन करा पाना संभव तो दोस्तों नहीं लगता है किसी भी तरीके से, क्योंकि आपको पता है 10 लाख से ज़्यादा इसके अंदर फॉर्म पड़ा है। और जब इतना ज़्यादा फॉर्म इसके अंदर पड़ चुका है तो ये बताइए, दो दिन के अंदर ऑनलाइन के लिए तो नॉर्मल स्कूल के अंदर कराया नहीं जा सकता, उसके लिए तो लैब रिक्वायर्ड होती हैं, तो बहुत मुश्किल है, ऑफलाइन ही होगा। मगर दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे न्यूज़पेपर के अंदर कि आए दिन जो है ओएमआर शीट में घोटाला करने वाले लोग पकड़े जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है मतलब मन में संदेह तो जाता है कि कहीं इस परीक्षा के साथ भी ये ना होने लगे। दोस्तों, बस आयोग से हमारी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि वो जो भी करे पारदर्शी तरीके से करे। और जिस तरीके से अभी जो आप देखेंगे कई लोग थे जिन्होंने कि ओएमआर शीट को बदल दिया, कोषागार शीट में अलग थी और मूल शीट अलग थी, मगर वो लोग पकड़े गए, उसी तरीके से दोस्तों अब देखा जाए भले ही परीक्षा किसी भी तरीके से हो, बस अगर पारदर्शी हो जाती है, क्योंकि दोस्तों कहीं पर भी देखा जाए ऐसा तो नहीं है कि फुल प्रूफ हो। ऑफलाइन में भी दोस्तों हो ही जाता है गड़बड़, और ऑनलाइन में भी आपने एसएससी में देखा ही होगा कि रिमोट के जरिए लोग पेपर दे रहे थे। तो आप बस अपना जो विश्वास है, अपना जो ट्रस्ट है, वो आयोग पे बनाए रखिए, तैयारी करते रहिए। मेरे हिसाब से ये जो परीक्षा होने वाली है दोस्तों ऑफलाइन में होने वाली है, ठीक है। बस हाँ, ये है कि हम अपने ग्रीवेंस सेल के अंदर जो हमारा आयोग का है उसमें सजेशन में दे सकते हैं कि इसकी परीक्षा ऑनलाइन कराई जाए। जैसे दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था कि वेबसाइट पर ही एक लिंक है जहां से ग्रीवेंस सेल में जाकर आप लोग कर सकते हैं अप्लाई, मतलब कोई बात बता सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं। तो दोस्तों, आप भी अगर आप चाहते हैं कि यह परीक्षा ऑनलाइन हो तो आप आयोग को एक सजेशन भेज सकते हैं, ठीक है। तो अगर वो आप करना चाहें तो कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मतलब लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जो कि है टेलीग्राम का, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैं जीएस के पीडीएफ शेयर करता रहता हूँ। जल्दी ही मिलेंगे दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।